This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Fresh Presso Coffee Shop, Newson Fabrics Cloth Store, and by Medina Chicken World. मुबारकबाद को मुबारकबाद देता हूँ, तय दिल से शुक्र अदा करता हूँ। हैदर को बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छा है। आई लव एशियन बेकरी, आई लव एशियन बेकरी, वी लव एशियन बेकरी। वेल हेलो एवरीबॉडी, दिस तारा बास और आप सब देख रहे हैं गो हैश। बहुत कम बिजनेस होते हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, और इनमें शामिल है एशियन बेकरी जिन्होंने अपनी चौथी ब्रांच सुपरमार्केट में खोली है। काफ़ी बड़ा ब्रांच है। लोकेशन को अगर आइडेंटिफाई करना है तो लोकेशन बिल्कुल बादशाह सिल्क हाउस, जो काफ़ी फेमस सिल्क हाउस है, उसके बिल्कुल ही बाजू एशियन बेकरी है। एशियन बेकरी मतलब फाइनेस्ट बेकरी यू हैव हियर इन गुलबर्गा सिटी, एंड उनका फोर्थ ब्रांच अब खुल चुका है सुपरमार्केट में। एक और ब्रांच है एशियन मॉल में, मुस्लिम चौक पर एक ब्रांच है और तिमापुरी चौक पर एक ब्रांच है। आइए देखते हैं सुपरमार्केट के बेकरी में क्या नया है और क्या ये ऑफर करते हैं, आइए देखते हैं। हम लोगों ने ये चेन ऑफ आउटलेट जो एक्सपेंड की है, इसमें और भी दो लोगों का हाथ है, जिसमें मेरे एक पार्टनर है जिसका नाम सहर अहमद मुस्तफ़ा है। ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ही इज़ वन ऑफ माई पार्टनर, एंड वी हैव गॉट अनदर पार्टनर कॉल्ड नासिर अहमद सुल्तानपुरी, जो कि हमारे नए पार्टनर हैं। वो दो पार्टनर्स की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हम चेन ऑफ आउटलेट्स यहाँ पर एक्सपैंड कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब ने जो 1979 में पहली रिटेल आउटलेट खोली थी, आज ये उन्हीं का सिला है कि हम लोग बैठ के इसको एनकैश कर रहे हैं। खोलने की वजह क्या है? मैंने देखा कि ये एरिया में, सुपरमार्केट एरिया में बहुत हमारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट भी थी, और मैंने देखा कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक अच्छे लोकेशन भी होना चाहिए और जहाँ पर हमारी एशियन बेकरी हो, उस लिहाज से मैंने ये लोकेशन चूज़ किया। और हम लोग यहाँ के करीब के रेजिडेंशियल एरियाज़ को केटर करना चाहते हैं, दैट्स द रीज़न वी ओपनड अ ब्रांच ओवर हियर। वेल वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल अवर ऑडियंस दैट प्लीज़ कम एंड हैव द प्लेजर ऑफ हैविंग गुड वैरायटी ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स। वी इक्वली सर्व एज वी सर्व इन अवर अदर आउटलेट्स, इक्वली रिमार्केबल टेस्ट एंड एवरीथिंग, वी आर everything is same and we are trying to give the best of service we can. Okay, thank you so much Heather for giving me valuable time, all the best. Well, I am with Mr. Seher, who is one of the partner for Asian Bakery here at supermarket. Seher bhai, how is your experience working with Heather? It's been amazing, it's been really good. We have team up and for the past a year now, and alhamdulillah this is our third branch together. And alhamdulillah, yeah, it's been what, good. What made you to get into this bakery thing, bakery franchise? I've already got a lot of retail experience, okay. And that match with Heather's skill. Okay. Together it worked like anything, and alhamdulillah, we have done well for past a year, and you can see that we are now reaping the benefits of, yeah, alhamdulillah. थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। वेल फिलहाल मेरे साथ नासिर साहब हैं, जो कि वन ऑफ द पार्टनर हैं एशियन बेकरी के सुपरमार्केट के लिए। नासिर साहब, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हैदर साहब के लिए वर्क करने के लिए और एशियन बेकरी के बारे में? हाँ, एक्सपीरियंस तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अब हैदर के साथ काम करने का एक मज़ा अलग रहेगा इंशाल्लाह, दुआ करिए बस। मैं जनाब हैदर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। गुलबर्गे में एक बेहतरीन बेकरी, जो कि इसकी मिसाल कराची बेकरी से दी जा सकती है, हैदराबाद के काफ़ी अच्छी तरक्की भी कर बढ़ रहे हैं। हमारी उनके लिए दुआएं हैं कि और काफ़ी शाखें खोलें, और साथ ही साथ जो है एक शेर कहना चाहता हूं मैं कि ख़ासकर हैदर के लिए, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा है ख़्वाब, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए, तुम काफ़ी तरक्की करो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इट्स रियली गुड, इट इज़ ऑल ओवरऑल अ गुड प्लेस, एवरीवन प्लीज कम एंड ट्राई। माशाल्लाह, मेरी तरफ से हैदर को, जमील चिचा को, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं ऐसे ही, हर अब तो सिटी में चार हो गए, मेरी दुआ है उनके साथ हर स्टेट में हो, हर सिटी में हो। हैदर को बहुत बहुत मुबारक। मैं तो बोलता हूँ वो यंग एंटरप्रेन्योर बन गए गुलबर्गे के, जो इतने कम उम्र में चार चार बेकरी के ये फ्रेंचाइज ओपन करे,
एशियन बेकरी जो अभी न्यू इस्टेब्लिश हुआ है बहुत अच्छा है और डिलीशियस मटेरियल में हम अभी एंजॉय किए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं मोहम्मद एजाज अहमद। आज जो ओपनिंग है उसकी मैं मुबारक हूँ कि भाई जमीलुर रहमान साहब ये गो हैश के लिए इंशाल्लाह कुछ बोले, और खुसूसी आज जो ओपनिंग है उसकी मैं मुबारकबाद देते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही खुश, यानी अच्छा लग रहा है मेरे को बताने के लिए कि आज इनके साथ दो मिनट का मौका भी मिला है हम लोगों के साथ में। जो आज ओपनिंग हो रहा है हमारे जमीलुर रहमान साहब का, ये इनकी जो बेकरी है गुलबर्गे में 1979 से जब से ये जो है ना गुलबर्गे में इनकी बेकरी है, और इनका उसी तरीके से गुलबर्गे में भी एशियन बेकरी उसी तरीके से लोगों के लिए मौजूद है। आप लोग सब लोगों की दुआ से अल्लाह ताला ये हमारी चौथी एशियन बेकरी के नाम से सुपरमार्केट में दुकान की ओपनिंग हो रही है अल्लाह के फजल से। इसमें सब में बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला हमको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये बहुत से आइटम जो क्वालिटी के हैं गुलबर्ग में खाने का मौका सब लोगों को मिल रहा है। आप लोगों से दुआ है कि ये आप लोगों से गुजारिश है कि हम अरे पूरे ब्रांचेस कामयाबी के साथ चलने के लिए दुआ फरमाइए अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप 1970 में जब शुरू करते क्या रीज़न था शुरू करने का, बेकरी बिजनेस शुरू करने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि गुलबर्ग में कोई काउंटर सर की बेकरी नहीं थी। अच्छा। जितने भी बेकरियां थे वो होटल से अटैच थे। अच्छा। हम जब मैं कराची बेकरी का हम जब इंस्पेक्शन करा देखने में आया तो बहुत ही ख्वाहिश मेरी हो गई कि गुलबर्ग में इस टाइप की एक बेकरी डालना। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सब में बड़ी बात यह थी क्वालिटी मेंटेन करना पड़ा, तो क्वालिटी मेंटेन करने की वजह से अल्लाह ताला अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जमील साहब का जो बेकरी आइटम एशियन बेकरी के नाम से जानते हैं उनको। हाँ, और जाना मुस्लिम चौक पर वहाँ खुली वहाँ भी लेते रहता हूँ मैं, मॉल के अंदर थी वहाँ भी लेता हूँ। सबसे पहले हैदर अंदर नहीं आती यहाँ मार्केट में पुरानी 30 साल पहले वहाँ भी थी। I love Asian bakery. We love Asian bakery. This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Frespresso Coffee Shop, Newson Fabrics Cloth Store, and by Madina Chicken World.